इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 13 जिसका टाइटल है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर काफी लंबा है इसलिए हम लोग इसको 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है और जितने भी पार्ट्स आएंगे सभी आपको साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी तक जितना वीडियो मैंने आपकी क्लास के लिए अपलोड किया है सभी को मैंने प्लेलिस्ट में ही रखा है, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग मिल जाएंगे तो आपको देखने में आसानी होगा। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। तो हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है जिसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें वेदर के बारे में समझना है कि वेदर होता क्या है, इसके बारे में बेसिक्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद वेदर एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फाइनली हमें देखना होगा कि क्लाइमेट क्या होता है और फिर सबसे अंतिम में हमें देखना है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ये हमारा टॉपिक है जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स कैसे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट में अडेप्ट हो जाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें वेदर के बारे में समझना है। यहाँ पे लिखा है वी ऑलवेज थिंक ऑफ वेदर वेयर एवर वी मे बी। हम लोग जहाँ पे भी होते हैं हम लोग वेदर के बारे में जरूर सोचते हैं। वेदर इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वी नोटिस आफ्टर वी वेक अप। जब भी हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान में हम लोग नोटिस करते हैं वो क्या होता है, वेदर ही होता है। इफ इट इज कोल्ड, अगर ये ठंडा होता है, वी वेयर अ स्वेटर, अगर ठंड होती है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं। इफ इट इज हॉट एंड सनी, वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, अगर गर्मी होती है, सनी डे होता है, तो हम लोग क्या पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। वी मे ऑल्सो लुक एट द वेदर फोरकास्ट। हम लोग वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में कैसा मौसम होने वाला है, कैसा वेदर होने वाला है, इसकी जानकारी के लिए इन अ न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे भी मिलती है। इन केस वी हैव टू गो आउट फॉर अ पिकनिक और फॉर अ हॉलीडे ब्रेक, अगर हमें किसी भी काम के लिए जाना हो, चाहे पिकनिक के लिए या तो हॉलीडे ब्रेक के लिए, तो हम लोग पहले मौसम की जानकारी देख लेते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है, उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। बट वट डज वेदर इम्प्लाई, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन वेदर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको आपको याद रखना है, ये है वेदर का डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड टर्म्स और एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, वेदर क्या है, स्टेट ऑफ एटमोसफेयर है, मतलब एटमोसफेयर का कैसा कंडीशन है, उसी चीज को हम लोग वेदर बोलते हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, किसी खास समय में और किसी खास जगह पे। इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड टर्म्स और एलिमेंट्स, और वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है, और वो सारे टर्म्स का डिटेल जब हमें पता चल जाता है तो हम लोग वेदर के बारे में बोल सकते हैं कि वेदर कैसा होता है। जितने भी टर्म्स है जिसके बारे में जानने के बाद हम लोग वेदर को डिफाइन कर सकते हैं, उन सभी टर्म्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। दीज एलिमेंट्स या जिसको हम लोग टर्म्स भी बोल सकते हैं आर, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है क्लाउडिनेस, चौथा है प्रिसिपिटेशन, पांचवा है विंड और छठा है एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब इन सभी टर्म्स के बारे में हमें डिटेल में आगे इसी चैप्टर में पढ़ना है तो हम लोग वहाँ इसके बारे में डिटेल जान लेंगे। These conditions are studied in meteorology, the science of understanding weather and weather forecasting. और इन सभी terms के बारे में study होता है meteorology के under में। Meteorology क्या है? Meteorology science का वो part है जिसमें कि weather और weather forecasting के बारे में study किया जाता है। तो यहाँ तक मैं आपको दो important definition मिला जिसको आपको याद कर लेना है। पहला है weather का definition जो कि यहाँ से यहाँ तक आप लिखोगे, और दूसरा है meteorology का definition जिसमें कि आप यहाँ से start करोगे, यहाँ तक लिखोगे और उसके बाद लिख दोगे इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, सिंपल है। आगे यहाँ पे लिखा है मेट्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट हम लोग ऐसे साइंटिस्ट को बोलते हैं जो कि वेदर को स्टडी करते हैं। रिकॉर्ड दीज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एवरी डे, इनका काम क्या होता है कि ये इन सारे एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा रोज, और उसी के आधार पे वेदर फोरकास्टिंग हो पाता है कि आने वाले समय में कैसा वेदर होगा वो डिटरमाइन कर पाते हैं। वही यहाँ पे लिखा है सच कॉन्स्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए गिवन रीजन, और इसी से हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब ये क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लाइमेट वेदर से थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है द वेदर एलिमेंट्स। अभी जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे सभी के बारे में एक एक करके अब हमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें यहाँ पे शुरू में लिखा है, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट डिफाइन द वेदर ऑफ ए गिवन प्लेस। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिसके कारण ही हम लोग वेदर को डिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस का, और उनके बारे में अब हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। जिसमें कि पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। यहाँ पे एक लाइन में इसका डेफिनेशन हो गया। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि एयर जो है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, यानी कि हवा कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। आगे लिखा है, टेम्परेचर ऑन अर्थ एवरेजेस 15 डिग्री सेल्सियस एट द सी लेवल बट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एलिवेशन सीजन एंड द टाइम ऑफ द डे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, समुद्र तल के पास जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जगह के हिसाब से और एलिवेशन यानी कि ऊंचाई के हिसाब से, सीजन के हिसाब से और दिन का समय क्या है उसके हिसाब से टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा बदलते रहता है। ऐसा तो नहीं देखते हो कि आप हमेशा टेम्परेचर एक ही बराबर होता है। आप दिन भर में अलग अलग समय पर टेम्परेचर चेक करना गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर हमेशा वैरी करते रहता है। इट कैन रेंज फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ -88 डिग्री सेल्सियस। अभी तक हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो नोट किया गया है वो है 58 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम टेम्परेचर जो नोट किया गया है वो है -88 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज ग्रेजुअली हाइएस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड लोएस्ट इन द पोल्स। ट्रॉपिक्स यानी कि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और पोल्स के पास जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। हमने जब हीट जोन्स पढ़ा था तो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर के आसपास जो है ना ज्यादा हीट मिलता है, सनलाइट आसानी से पहुंच पाता है, लेकिन पोल्स के पास सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर वहां पे कम होगा। On any given day, it is usually warmest during the mid-afternoon and coldest around dawn, just before sunrise. Dawn हम लोग बोलते हैं sunrise के just पहले के समय को। तो generally क्या होता है कि mid-afternoon के समय का temperature जो होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है, और सूर्य उदय से पहले यानी कि सूरज के उगने से पहले का जो temperature होता है सबसे ज्यादा ठंडा होता है generally हर जगह पे। Next element है humidity। Humidity का मतलब क्या होता है? इसका definition यहाँ पे लिखा है, ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर यानी कि वातावरण में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसी के अमाउंट को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम लोग डायरेक्टली ह्यूमिडिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंसिडर करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका डेफिनेशन यहाँ से आप लिखोगे, इट इक्वल्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर सही में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय द एटमॉस्फेयर्स मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर। इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई खास टेम्परेचर, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, इस खास टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है ये हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में एक्चुअल में। मान लेते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है किसी खास स्पेसिफिक वॉल्यूम में, हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको डिवाइड करेंगे उतना ही एरिया में कितना मैक्सिमम वाटर वेपर आ सकता है। मान लेते हैं 150 ग्राम मैक्सिमम आ सकता है, तो 150 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बाय 150 ग्राम जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसी का डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, इसको भी आप याद रखना, और ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन छोटा सा है इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो एलिमेंट है वो है क्लाउडीनेस। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, मोस्ट क्लाउड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेस अप। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब वहां पे उसको कम टेम्परेचर मिलता है तो वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद वहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस, जब हवा का टेम्परेचर घटता है, तापमान घटता है, द एक्सेस वाटर वेपर इन द एयर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट था, कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। वो या तो लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाता है और आइस क्रिस्टल या तो बर्फ का क्रिस्टल बन जाता है, टुकड़ा बन जाता है, टू फॉर्म क्लाउड्स और फॉग। और इसी के कारण से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और फॉग का फॉर्मेशन होता है।
अब ये फॉग क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, फॉग रेफर्स टू क्लाउड डेट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड। फॉग हम लोग ऐसे क्लाउड को बोलेंगे जो कि लगभग ग्राउंड को टच करते हैं, जमीन को टच करते हैं। आप लोग ठंड के दिन में देखे होंगे कि चारों तरफ कुहासा लग जाता है, वो भी एक क्लाउड का ही टाइप है, और उस क्लाउड को हम लोग फॉग बोलते हैं क्योंकि वो जमीन को टच करता है। द विजिबिलिटी रेंज में भी अराउंड 50 मीटर और सो, और इस केस में जब फॉग लगा होता है आसपास में तो लगभग हम लोग 50 मीटर के आसपास ही देख पाते हैं। अगला जो एलिमेंट है वो है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब आप लोग सिंपली बारिश बोल सकते हो। इसके बारे में लिखा है, प्रिसिपिटेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल इन क्लाउड्स ग्रो लार्ज इनफ टू फॉल ऑन द ग्राउंड। क्लाउड्स में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं और वाटर के क्रिस्टल बने होते हैं, जब वो भारी होकर ग्राउंड पे गिरने लगते हैं, जमीन पे गिरने लगते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन टेक्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल, आइस पैलेट्स और स्लीट। यहाँ पे जितना दिया गया है सभी बारिश का ही टाइप है, अलग अलग टाइप की बारिश का नाम है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे इतना ही पॉइंट था। अगला एलिमेंट है विंड। विंड के बारे में यहाँ पे लिखा है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रेफर्ड टू एज द विंड। जब हवा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो इसी को हम लोग विंड बोलते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स। फॉर एग्जाम्पल, अ विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न विंड। हवा के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग उसका नाम भी बोल सकते हैं। अगर कोई हवा नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है ना, तो उसको हम लोग नॉर्दर्न विंड बोलेंगे। इन मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड द विंड स्पीड यूजुअली एवरेजेस फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल दिनों में क्या होता है, हवा की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। However, it can be very much higher during the intense storm. लेकिन जब बहुत तेज आंधी चलती है तो हवा की जो स्पीड होती है वो बढ़ भी सकती है। सबसे अंतिम एलिमेंट है एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल वेदर सिस्टम। चाहे किसी भी टाइप का वेदर हो, उसको इन्फ्लुएंस करने में एटमोस्फेरिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन दिया गया है, इसको अच्छे से समझा देते हैं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर ऑन अ गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ, हमने प्रेशर का फॉर्मूला जाना था। प्रेशर जो होता है इक्वल होता है फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स अगर हमें पता है और इस जगह का सरफेस एरिया अगर हमें पता है, तो हम लोग प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एयर में वेट होता है, उसके कारण से फोर्स लगता है, वो फोर्स हो गया, और जिस सरफेस एरिया पे, जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई होता है, उसका सरफेस एरिया हमें पता करना पड़ेगा। और इसी दोनों को यूज करके हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स अप्लाइड बाय एयर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। और इसी को यूज करके हम लोग आसानी से एटमोस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। फॉलिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म एंड राइजिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स क्लियर स्काई। जब भी प्रेशर कम होता है, इसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है, और जब भी प्रेशर ज्यादा होता है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब होता है कि बादल साफ होने वाला है, आसमान साफ होने वाला है। तो इसी से वेदर फोरकास्टिंग भी किया जाता है। यहाँ पे डिवीजन में हमें AWS के बारे में बताया गया है। AWS होता क्या है, AWS का मतलब होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। पहले क्या होता था कि इंसान मैनुअली सभी एलिमेंट्स के बारे में डेटा कलेक्शन करते थे। जितना भी एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा अभी, वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए जो जो जरूरी है, उसका डेटा कलेक्शन मैनुअली किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, बहुत सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बना दिए गए हैं, जो कि ऑटोमेटिकली सभी डेटा को कलेक्ट करता है और उसी को यूज करके वेदर का फोरकास्टिंग हो जाता है। और ये डेटा कैसे मिल पाता है, ये डेटा मिल पाता है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यूज करके, जिस सैटेलाइट का नाम है इनसेट। ये इंडिया ने छोड़ा था आसमान में, और इसी को यूज करके इंडिया अपने वेदर को फोरकास्ट कर पाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पे इंडिया है ना, तो वो सैटेलाइट हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वो भी घूमता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी घूम के इधर जा रहा है, सैटेलाइट कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट का नाम है इनसेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण से AWS चल पाता है। AWS का मतलब भी आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस होता है।
तो फाइनली हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग का दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब जो दो टॉपिक और बचा उसको हम लोग आने वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो हम उस वीडियो को भी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आपको साइंस के दूसरे चैप्टर के वीडियोस भी देखने हैं तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और अगर आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखना है तो राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।